दोस्तों ये है 2024 मॉडल एल्टो केटन और ये दोस्तों माइलेज का किंग है सबसे ज़्यादा और ये चाहे शहर हो या गांव हर एक जगह पर दोस्तों सबसे बेस्ट कार है जो कि स्टार्टिंग प्राइस में मारुति सुजुकी की सबसे सक्सेस और सबसे ज़्यादा बिकने वाली और सबसे ज़्यादा माइलेज वाली मजबूत कंफर्ट और फैमिली में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली एक छोटी कार और वो भी 5 पर्सन के लिए आप 5 लोग आराम से बैठ भी सकते हैं जो कि अगर आप अदर कार लेते हैं तो 15 लाख रुपए तक लगाएंगे भी तो भी 5 लोग ही बैठते हैं और इस कार में भाई आप 6 लाख रुपए लगाओ और 5 लोग बैठो देखो 3 पीछे 2 आगे और इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलेगा सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, हर एक ब्रांड की कार्स की वीडियो आपको मिलती रहेगी। सबसे पहले इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 12 वोल्ट का 60x55 वाट का इसके अंदर हैलोजन बल्ब देखने को मिलेगा, एक पायलट लाइट इंडिकेटर भी बल्ब और इससे ट्रांसपेरेंट पूरा ग्लास रहेगा इसके हेडलाइट का। सेंटर में आपको इसकी बेजिंग 3D वाली क्रोम फिनिशिंग यहाँ पर भी आपका सेम हेडलाइट मिलेगा और यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका ये और यहाँ पर आपको ये वाटर है जो कि ग्लास है धुलने के लिए, 2 वाशर भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा इस तरह से आप दे सकते हैं और सामने आपको एल्टो की बेजिंग और ग्रिल आपको मैट ब्लैक फिनिशिंग पे इस तरह से। यहाँ पे आपका रेडिएटर दिया गया है और इंजन आप देखते हैं यहाँ से शो कर रहा है, सिंगल हॉर्न भी दिया गया है और ये बम्फर इस तरह से रहेगा। 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको मिल जाएगा इसके अंदर, तो ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी बेहतर है जैसा कि 2-व्हीलर में आता है पल्सर में वही आपको इस यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको 4 स्टील व्हील मिल जाती है और 13 इंच की आपको मिलती है इसकी व्हील और यहाँ पर ये पूरा उसका कवर भी दिया है। सेंटर में इसकी बेजिंग है, टायर आपको JK मिलता है, सस्पेंशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा इस तरह से, यहाँ पर इंडिकेटर भी दिया गया है, ORVM पर आपका नहीं रहेगा, यहाँ पर इसके बॉडी पे रहेगा, दोनों साइड पे आप देख सकते हैं इस तरह से ये देखिए। और यहाँ पर आपका ये चारों व्हील जो है वो सेम है, आगे 2 डिस्क पीछे 2 ड्रम और ABS EBD के साथ। अब हम बात कर लेते हैं इस कार के अंदर इंजन क्या मिलता है। इंजन की अगर हम बात करें तो इंजन कैपेसिटी है 998 cc यानी कि 998 cc और वो भी पेट्रोल पर है, पेट्रोल पड़ेगा इसके अंदर। 3 सिलेंडर की गाड़ी है, मैक्सिमम जो पावर है वो है 49 kW का 5600 rpm पे, 66.62 PS 5600 rpm। मैक्सिमम टार्क है 89 Nm 3500 rpm पे। 5 गियर आपको मिलेगा, माइलेज आपको 25 का देने वाली है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 27 यानी 27 लीटर का, ये काफ़ी गजब का है भाई, 27 लीटर पेट्रोल पड़ेगा, 25 का माइलेज देगी। मिरर यहाँ पर आपको मिलेंगे, ये रहा इसका डोर और चलो आप दूसरे साइड का डोर दिखाता हूँ इसके अंदर क्या मिलता है। सबसे पहले मैं आपको साइड से लुक दिखा देता हूँ कि इस तरह से ये साइड पर दिखने वाली है ये देखिए। और रियर में जो है आपका इस तरह से तेल लैंप मिल जाता है ये देखिए, यहाँ पर ब्रेक लाइट इस तरह से मिल जाएगा और यहाँ पर इसकी बेजिंग, यहाँ पर एल्टो केटन की 3D वाली बेजिंग यहाँ पर भी आपका सेम मिलेगा और पीछे एल्टो का बेजिंग यहाँ पर इस तरह से और यहाँ पर चाबी लगा के भाई पीछे का बूट स्पेस खोल सकते हैं। इसके अंदर आपको 214 लीटर का बूट स्पेस मिलता है और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा इसका फ्यूल टैंक, ये पूरा रियर का लुक। और आप चलो अंदर चलते हैं, डोर का हैंडल इस तरह से रहने वाला है ये देखिए। आप सबसे पहले डोर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 2 स्पीकर, यहाँ पर 1 स्पीकर और वहाँ पर 1 स्पीकर, ठीक है, यानी 4 स्पीकर दिए गए हैं। इसके रियर के डोर पर भी आपको स्पीकर मिल जाएगा ये देखिए, 4 स्पीकर है, ठीक है, वहाँ पर भी देख सकते हैं। अब इसके जो डोर है पीछे का जो ये आपका ग्लास है, ये आपका विंडो है, ये आपका मैनुअल है हाथ से खुलने वाला और ये जो है ये आपका पावर है, पर हाथ से नहीं खुलेगा, यहाँ से खुलेगा, ये कहाँ गया ये देखिए, यहाँ से दबाएंगे तो खुलेगा, ठीक है, यहाँ से। और सब में आपका या तो यहाँ रहता है या तो इसके डोर में रहता है, लेकिन डोर पर नहीं दिया गया है। यह हैंडल रहेगा, यहाँ पर भी कुछ रख सकते हैं, बॉटल रख सकते हैं, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। यह रहा इसका गियर लीवर जो कि पूरा ब्लैक फिनिशिंग पे, 5 गियर इसके अंदर मिलेंगे। ये आपका ब्रेक लीवर है, यहाँ पर आपका सीट बेल्ट है, ये सीट आपका डुअल टोन फिनिशिंग फेब्रिक पर रहेगा और बूट स्पेस यहाँ पर देखो एकदम ज़बरदस्त मिलता है। ये आपका ये चीज़ एडजस्टेबल है रियर का। ये रहा एसी वेंट, ये डुअल टोन फिनिशिंग है, डैशबोर्ड इस तरह से मिलेगा, यहाँ पर भी एसी वेंट है। 8 इंच की इसके अंदर आपको मिल जाती है भाई फुली डिजिटल इंफोटेनमेंट क्लस्टर, इसके अंदर आप देखो ऑफ कर सकते हैं वॉल्यूम अप डाउन मीडिया, ये देखो आप मीडिया AM VM ब्लूटूथ हॉक्स USB सब पूरा आपको दिए गए हैं। और यहाँ पर ये मैं क्लिक करता हूँ, ये आपका इस मतलब होम है, ठीक है, यहाँ पर ये सेटिंग में जाता हूँ, ये सब कुछ आपका दिया गया, देखो डिस्प्ले डेट एंड टाइम, व्हीकल अलर्ट, लॉक, कीपैड, व्हील ड्राइविंग, देखो इसके पूरा सेटअप दिया गया है। यहाँ पर ये हैजर्ड बटन इसके अंदर आपको मिल जाता है, इसको आप कर देंगे तो हैजर्ड बटन ऑफ हो गया। यहाँ से आप विंडो कंट्रोल कर सकते हैं, मैनुअल आपको AC हीटर पावर विंडो पावर स्टीयरिंग मिल जाएगा, 12 वोल्ट यहाँ पर आपका ये सॉकेट है, USB और ऑक्स इसके अंदर आपका ये दिया गया है बजाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर आपको कोचने की जरूरत नहीं लगेगी।
अब इसके अंदर आपका ये गियर लीवर हो गया, यहाँ पर भी दो बोतल आप रख सकते हैं, यहाँ पर मोबाइल भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो दो एयरबैग मिलेगा SRS के, यहाँ पर लिखे भी हैं। यहाँ पर एक एयरबैग मिलेगा, देखो यहाँ लिखा है SRS एयरबैग, और यहाँ पर मिलेगा इसकी बेजिंग। इस स्टीयरिंग आपको पूरा ब्लैक फिनिशिंग पे, यहाँ पर म्यूजिक कंट्रोल, वॉइस असिस्ट, यहाँ पर आपका डुअल टोन फिनिशिंग सिल्वर और ब्लैक का। इसके अंदर आपका फुली डिजिटल मीटर मिल जाता है जिसमें आपका फ्यूल स्पीड, यहाँ पर आपका ऑडियो दिखाएगा, सीट बेल्ट दिखाएगा, FI लाइट, इंजन टेम्परेचर, ये सब कुछ यहाँ पर आपका दिखाएगा। देखो स्टीयरिंग का पूरा शो करेगा इसके अंदर, ये सारा सेटअप आपको मिलता है। ठीक है, यहाँ पर ये भी बटन दिया गया है जैसे कि आप देखते हैं, ये ए दिखा रहा है ट्रिप ए ट्रिप बी, और ये किलोमीटर लीटर एवरेज कितना देगा ये भी यहाँ पर आपका शो करेगा। ये देखिए ये रेंज आपका यहाँ पर दिखा रहा है, ये देखो आप सारा चीज़ यहाँ पर आपका मिल जाएगा। यहाँ पर भी AC वेंट है, मेरा ORVM को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसका हैंडल है डोर का, ये पूरा ब्लैक फिनिशिंग रहेगा, और यहाँ पर क्लच एक्सेलेटर ब्रेक आपका रहेगा, और बूट स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है। ठीक है, ये सब पूरा एडजस्ट कर सकते हैं। तो इंजन आपको मैंने बता दिया, माइलेज आपको बता दिया, 27 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलेगा। आगे दो डिस्क मिलेंगे, पीछे दो ड्रम मिलेंगे, ये हो गया। उसके बाद देखो इसके अंदर आपको और क्या क्या मिलता है, ये देखो मैं आपको बताता हूँ। रियर डोर चिल्ड लॉक, यानी पीछे जो डोर दिया गया है वो बच्चे के लॉक के लिए दिया गया है। सेंटर डोर लॉकिंग है, इम्पैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक है, हाई स्पीड अलर्ट है, फ्रंट सीट बेल्ट प्री टेंसर फोर्स लिमिटर दिया गया है, रियर सीट बेल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ABS विथ EBD आपको मिल जाएगा, डुअल फ्रंट एयर बैग इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, और उसके बाद बहुत सारे इसके अंदर आपको भाई टच स्क्रीन ऑडियो दिया ही गया जो आप देख रहे हैं। और उसके बाद AUX पोर्ट है, USB पोर्ट है, रिमोट एप्लीकेशन है, ब्लूटूथ, एंड्रॉयड ऑटो और प्ले है, उसके बाद एप्पल कार प्ले है, स्पीकर आपको 4 मिलेंगे, स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो यहाँ पर आपको मिलेगा, वॉइस असिस्ट मिल जाएगा, डिजिटल स्पीडोमीटर आपको इसके अंदर दिया गया है। ठीक है, ये आपको पूरा दिया गया है, डिस्टेंस टू MPT आपको फ्यूल गेज बताया, गियर शिफ्टर इंडिकेटर भी दिया गया है मैनुअल में, इसमें आपका गियर भी दिखाएगा, डोर अजर वार्निंग आपका दिया, की ऑफ हेडलैम्प आप रिमाइंडर दिया गया है, सब कुछ आपको इसके अंदर, पावर स्टीयरिंग और एयर कंडीशन विथ हीटर एसेसरी सॉकेट रिमोट फ्यूल लिड ओपनर रूफ एंटीना आपको मिल जाएगा ऊपर पे। ठीक है, बॉडी कलर डंपर सब कुछ इसके अंदर आपका मिल जाता है भाई। तो यहाँ से मैं इसको दूसरी साइड से आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ये और ये, तो पीछे यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हैं, और अब देखिए यहाँ पर देखिए चाबी से एंट्री होगी, ठीक है ना, अकेले से एंट्री नहीं है, और ये देखिए यहाँ पर चाबी लगा इस तरह से, देखो ये देखो आप, ठीक है, यहाँ से ये चाबी ऑफ कर सकते हैं, ये इस तरह से ऑफ हो गया। और ये AC वेंट, यहाँ पर आपका लाइट, ये पूरा डिफोगर, ये आप वाशर कंट्रोल कर सकते हैं, ये पूरा रहेगा, सीट हाइट एंड एडजस्टेबल है। और उसके बाद इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये हम खोल सकते हैं, ये देखिए, तो 214 लीटर बूट स्पेस आपको मिलेगा, जो आप देख रहे हैं जगह 214 लीटर है। यहाँ पर भी आप कोई भी चीज़ आराम से, उसको पार्टी करना है ना तो केक वेक आराम से बढ़िया रख दो, बाटल पानी हर एक चीज़ आप रख सकते हो, इतनी सारी जगह मिल जाती है, बूट स्पेस भी एकदम मस्त है। और अगर आप गैस सिलेंडर भी लाने जाएँ तो भी आ जाएगा इसके अंदर। यहाँ से मैं इसको ऑफ कर दिया, ये बंद, एल्टो की बैजिंग, पीछे आपको दो सेंसर मिल जाएंगे, ये देखो पूरा इस तरह से ये लुक आएगा भाई। अल्टो केटन जो है ना, एकदम एक स्पोर्ट लुक भी आपको मिल जाता है। देखो एंटीना पर अपर साइड पे दिया ही गया, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एंटीना रहेगा, और उसके बाद ये देखो पूरा लुक आएगा। अब इसकी हम बात कर लेते हैं ऑन रोड प्राइस की, और माइलेज फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर की देखो आप, इसकी ये है सुजुकी की, ठीक है, इसकी बैजिंग, यहाँ पर मैं की डालता हूँ, ये देखो, और जैसे की डालोगे ना तो ये साउंड करने लगेगा। देखो आप ABS यहाँ पर देखो दिया गया, ठीक है ना, तो आपका ABS मिल जाएगा, ये आपका देखो इस तरह से वर्क करेगा इसका मीटर, देख रहे हो S लिखा हुआ पूरा इसके अंदर, काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पर भी देखो कोई चीज़ रख सकते हैं, ये रियर पर जो है सीट इस तरह से मिलेगा आपको, ये देखो आप रियर सीट आपको यहाँ पर मिलेगा। देखो फ्यूल यहाँ पर लो फ्यूल दिखा रहा है, पेट्रोल कम होगा तो इतनी तगड़ा यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन मिलने वाला है। और पीछे जो सीट है ना, इस पर आप आराम से 3 लोग बैठ सकते हैं, ये देखिए आप रियर में आप 3 लोग आराम से बिठा सकते हैं, इतनी सारी स्पेस और जगह मिल जाती है आपको, काफ़ी अच्छा जगह मिलता है इसके अंदर, ये देखो आप, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं इसको कहाँ मिलेगी और इसका ऑन रोड प्राइस क्या है, 6,07,923 रुपये इसका ऑन रोड प्राइस है, नवसारी गुजरात की कटारिया ऑटोमोबाइल्स नवसारी गुजरात, यहाँ पर यह मिलेगी। मारुति सुजुकी अरेना की कोई भी कार आप यहाँ पर विजिट करके खरीद सकते हैं। तो माइलेज में भी आपको 25 का माइलेज देने वाली है, 998 cc का पेट्रोल इंजन है, 5 गियर है, और बेस्ट कार है भाई। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए।